City News. टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। पहले एक नज़र राजधानी की हलचल पर। महिला आयोग ने मॉल की सुरक्षा पर किया एतराज, लखनऊ के DIG से जवाब तलब। IAS अफसर करेंगे गांव का दौरा, भीषण गर्मी में ग्रामीणों की सुनेंगे फरियाद। नगर निगम में वार्डों के आरक्षण की गहमा गहमी, कुर्सी बचाने में जुटे अनेक पार्षद। इंदिरा नगर में TSI को कुचलने का प्रयास, सफारी पर सवार रईस ज्यादा हो गए फरार। खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा विज्ञान, आंचलिक विज्ञान नगरी में आयोजित होंगे शिविर। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। NPRI में दिया गया प्रशिक्षण। स्वास्थ्य सचिव ने की समीक्षा। वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा पर कार्यशाला। भीगे बादल भीगी गजलें का हुआ लोकार्पण। मेहमान राजू श्रीवास्तव हास्य कलाकार। मनोरंजन विशेष में फिल्म शोर इन द सिटी पर रिपोर्ट। स्पेशल स्टोरी में PAC के जवानों को दिया गया वाटरमैनशिप का प्रशिक्षण। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अरबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। NBRI में जैव उर्वरक की गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका कृषि निदेशक एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश गौतम ने उद्घाटन किया। इस मौके पर किसानों को जैव उर्वरक के प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जैव उर्वरक के गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने कहा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त जैव उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। आसाम कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर AN मुखोपाध्याय ने कहा कि जैव उर्वरक के प्रयोग से उत्पादन क्षमता 20% तक बढ़ जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि तकनीकी अधिकारी आदि मौजूद रहे। So NBRI is focusing on few major micro, that is phosphate solubilizing bacteria, then Pseudomonas, Bacillus. These are well proven strains which are used. Bureau report, Ujala City News. अस्पताल में आज वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा की गई। बैठक में महानिदेशक चिकित्सा डॉक्टर SP राम मौजूद थे। इस मौके पर 5 रोगों की समीक्षा की गई। डफरिन अस्पताल में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी, जिला फाइलेरिया अधिकारी एवं बायोलॉजिस्ट आदि शामिल हुए। इसमें मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इंसोफ्लाइटिस एवं कालाजार रोगों के नियंत्रण के संबंध में समीक्षा की गई। निदेशक मलेरिया डॉक्टर अरुण कुमार ने राज्य में रोगों की रोकथाम के संबंध में रिपोर्ट पेश की। ब्यूरो
रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। कृति प्रकाशन द्वारा होटल ताज में वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया। कृति प्रकाशन द्वारा वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला का संचालन ISC एवं हिमाचल राज्य शिक्षा बोर्ड की पूर्व सदस्य श्रीमती रीचा विल्सन ने किया। श्रीमती विल्सन ने इस कार्यशाला में अपने विचार रखे। कृति प्रकाशन के निदेशक धनंजय श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनका संस्थान मानव संसाधन के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगा। The basic human needs, only when we are given our rights that we can expect to be happy. We have to feel confident about our identity so that we can engage positively with people of other identities and culture, and we are able. ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। BNT बादल के गजल संग्रह भीगे बादल भीगी गजलें का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं चर्चित गजलकार गुरुदेव नारायण अदम मौजूद रहे। UB प्रेस क्लब में BNT बादल के गजल संग्रह भीगे बादल भीगी गजले के लोकार्पण के मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी द्वारा की गई। लोकार्पण समारोह का आयोजन साहित्यकार संसद लखनऊ ने किया था। समारोह का संचालन साहित्यकार संसद के उपाध्यक्ष एवं कवि भोलानाथ अधीर ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। नत शिव में चरणों में श्रद्धामय अर्चना अम्ब करूं वंदना। नत शिव में चरणों में श्रद्धामय अर्चना। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। दारू शफा ए ब्लॉक के कॉमन हॉल में आज भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जन जागरूकता सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें क्रांतिकारी नेता CB सिंह, भगवती सिंह, गिरिजा प्रसाद श्रीवास्तव आदि ने भाग लिया। दारू शफाई ब्लॉक के कॉमन हॉल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आयोजित जन जागरूकता सेमिनार में पूंजीवाद बनाम समाजवाद विषय पर चर्चा हुई। क्रांतिकारी नेता CB सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर आंदोलन के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज।